क्या दांतों की बीमारियों से बचने के लिए अपने पास कोई वैक्सीन है? क्या दांतों की सड़न से बचा जा सकता है? इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फोटोज के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे एक पिट एंड फिशर सीलेंट दांत के सभी कॉर्नर्स को सील कर देता है और दांतों में खाना फंसने की जगह ना के बराबर रह जाती है। ये पिक्चर्स डॉक्टर मीनाक्षी खेर मुंबई द्वारा मुझे दी गई हैं, उनकी अनुमति से मैं अपने वीडियो में शेयर करूंगा। नमस्कार पेरेंट्स, क्या दांतों की बीमारियों से बचने के लिए अपने पास कोई वैक्सीन है? क्या दांतों की सड़न से बचा जा सकता है? मैं इस तरह के आपको तीन वैक्सीन्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करने से या जिनका पालन करने से आप आपके बच्चे दांतों में सड़न से मुक्त रह सकते हैं। पहला, एक स्पेशल तरह की फिलिंग्स होती हैं जिनको बोला जाता है पिट एंड फिशर सीलेंट। ये दांतों में कैविटी सड़न लगने से पहले किया जाता है। यूजुअली पक्के दांतों में किया जाता है 6 साल की उम्र और 12 साल की उम्र में किया जाता है। जिन बच्चों के दूध के दांतों की कैविटी की हिस्ट्री रहती है, दूध के दांतों में सड़न की संभावना रहती है, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पक्के दांतों में भी सड़न पैदा करते हैं। तो ऐसे बच्चों में जब 6 साल वाला, जिसको फर्स्ट परमानेंट मोलर बोलते हैं, या 12 साल की उम्र में सेकंड परमानेंट मोलर बोलते हैं, या फिर प्री मोलर्स के आने पे अगर डेंटिस्ट को लगता है कि इन दांतों में सड़न लगने की संभावना है, तो वो सड़न लगने से पहले इस तरह की फिलिंग करता है जिससे उस दांत में खाना फंसने के सभी कॉर्नर्स सभी भर जाते हैं और खाना दांतों में नहीं फंसता है और सड़न पैदा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, अपन डेंटिस्ट को हर 6 महीने दिखा के दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। ये मेरा मानना है, कोई भी बच्चा अपने पहले जन्मदिन से अगर हर 6-6 महीने अपने डेंटिस्ट को, बच्चे के डेंटिस्ट को रेगुलर 6 महीने दिखाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी भारी दर्द वाला इलाज या महंगा दांत वाला इलाज नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के केस में बच्चों के डेंटिस्ट को दिखाएं, अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है तो अपने फैमिली डेंटिस्ट को दिखाएं। सही असली बच्चों का डेंटिस्ट ढूंढने के लिए मैं एक लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तीसरा पॉइंट है, बड़ा मुश्किल पॉइंट है, वो है डाइट। स्वस्थ डाइट खाना, मीठा नहीं खाना, चिपचिपा खाना नहीं खाना। इसको मैंने तीसरा पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि इसका पालन करना आजकल मुश्किल है। अपन ने अपनी जीवन शैली इतनी खराब कर ली है कि अपन मीठा चिपचिपा खाना, पैकेट से खोला हुआ खाना, बच्चे या बड़े मीठा मिठाई पे बहुत निर्भर हैं। पर हाँ, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं कि दांतों में कीड़ा कैसे होता है, तो आपको ये समझ में आया है बात कि दांतों पे खाना चिपकना अनिवार्य है दांतों पे कीड़ा या सड़न करने के लिए। अगर अपन इस तरह का खाना नहीं खाएंगे जो दांतों पे चिपकेगा नहीं, तो दांतों में सड़न होने की संभावना ना की बराबर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पिट एंड फिशर सीलेंट जैसा प्रिवेंटिव फिलिंग अगर आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है, तो प्लीज वो करवाएं और दांतों में सड़न से बचें। धन्यवाद।